हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज़ डॉक्टर परिधि, योर डेंटल मेट, शेयरिंग विद यू माय सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ डेंटल लर्निंग. आवर टुडेज़ टॉपिक इज इनामल क्यूटिकल. दिस इज वन ऑफ द सर्फेस स्ट्रक्चर्स ऑफ इनामल विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाइल डिस्क्राइबिंग और ब्रीफिंग द स्ट्रक्चर्स, वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ इनामल. लेट अस सी इन डिटेल टुडे व्हाट इज इनामल क्यूटिकल. सो this is a organic structure, theek hai, it is an organic structure present on enamel surface. This is an organic structure which is present on the surface of enamel. It is structureless delicate covering of the organic material present on the crown of the newly erupted tooth. If this is the crown of the newly erupted tooth, then a structureless delicate covering of the organic material is present on this crown. ठीक है. So what is it? It is a structureless delicate covering of again what organic material. This is present initially in the newly erupted teeth and then it is मतलब वो धीरे धीरे हट जाता है. ठीक है, newly erupted teeth में present होता है and then it is worn off or lost because of either masticatory forces or because of rubbing of teeth from cheeks. ठीक है. नेक्स्ट, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब इसमें भी दो टाइप की कवरिंग प्रेजेंट हो सकती है टूथ में. ठीक है, इट इज़ प्राइमरी इनामल क्यूटिकल एंड द सेकेंडरी इनामल क्यूटिकल. प्राइमरी इनामल क्यूटिकल, सी प्राइमरी इनामल क्यूटिकल इज ऑल्सो नोन एज Nasmyth's membrane. ठीक है, और एक और होता है सेकेंडरी इनामल क्यूटिकल जो हम बाद में देखेंगे. तो पहले देखते हैं प्राइमरी इनामल क्यूटिकल क्या है. इट इज़ व्हाट, कैसे बनता है. इट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीलोब्लास्ट विच लेटर गेट कैल्सिफाइड. ठीक है, तो ये एंड प्रोडक्ट किसका है. What are amyloblasts? These are the enamel producing cells. ठीक है, they get calcified later. Then next, see these are structurally, इनका structure कैसा होता है. They are similar to the basal lamina. ठीक है, सो दीज आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द बेसल लमाइना. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द इनामल. ड्यूरिंग टूथ इरप्शन जो आसपास की सेल्स होते हैं या फिर आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इवन ओरल एक्टोडर्म, उसको डिग्रेड कौन करता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो उसको डिजॉल्व करता है और टूथ इरप्ट होता जाता है एक कॉर्ड कॉर्ड बन के. सो द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इनामल सर्फेस से अटैच करने में हेल्प करती है प्राइमरी इनामल क्यूटिकल और द नेस्मिथ्स मेम्ब्रेन. ठीक है. Next is the
secondary enamel cuticle. This is also known as pellicle. Secondary enamel cuticle or pellicle. This is what? This is the end product of reduced enamel epithelium. ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है रिड्यूस्ड इनेमल एपिथीलियम की. नाउ ये किसके एंड प्रोडक्ट थी, प्राइमरी या मेलोब्लास्ट की? सेकेंडरी इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिड्यूस्ड इनेमल एपिथीलियम. प्राइमरी गेट्स कैल्सिफाइड, इट डज नॉट गेट मिनरलाइज्ड. दिस कवर्स व्हाट? प्राइमरी क्यूटिकल. Along with this, the salivatory proteins, ठीक है, जो saliva की proteins and they are deposited on teeth surface because of the iron interactions. इसके ऊपर क्या deposit हो जाता है? Salivatory या फिर saliva के proteins, ठीक है, and दीज आर कोलोनाइज इंटू प्लाक. ये क्या आगे फॉर्म कर सकता है? प्लाक फॉर्मेशन कर सकता है. अब देखो क्या है, इफ दिस इज द क्राउन ऑफ द न्यूली इरप्टेड टूथ, तो इसमें सबसे पहले बनती है प्राइमरी इनेमल क्यूटिकल विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अमीलोब्लास्ट. It gets mineralized, its structure is similar to the basal lamina and it helps in the attachment of rough endoplasmic reticulum to the enamel. Attached to the primary enamel cuticle is the secondary enamel cuticle. इससे जुड़ी हुई primary enamel cuticle से जुड़ी हुई क्या रहती है? Secondary enamel cuticle. This is the end product of rough endoplasmic reticulum. It does not get mineralized. And it covers the primary cuticle. अब इसमें क्या होता है, न्यूली इरप्टेड टीथ में रहता है, इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं सलाइवेटरी प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ आयोनिक एक्शन एंड दीज सलाइवेटरी प्रोटीन्स दे कैन बी कोलोनाइज्ड. इसमें बैक्टीरियल एक्शन से कोलोनाइजेशन होगा और प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, so this is it about the enamel cuticle. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the bell icon if you don't want to miss the latest updates. And do let me know in the comment section below if this video has helped you in any way, as this would boost me to make videos of even better versions for you all. Stay tuned and keep visiting. Thank you.